नमस्कार दोस्तों, मैं आरोही मैदान स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर, जहां मिलेगी आपको आपके हरियाणा राज्य की सभी छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले, क्योंकि आप देख रहे हैं हरियाणा का उभरता हुआ न्यूज़ चैनल। इसीलिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए पब्लिक रिएक्शन टीवी से, फिर दिए हुए घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं अपनी खबर की ओर। दिल्ली में दो बार किसानों की रैली, 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकलेगी, 1 फरवरी को बजट के दिन संसद तक पैदल मार्च करेंगे किसान। 26 जनवरी को सुबह 12 बजे से किसानों का ट्रैक्टर परेड शुरू होगी। कई राज्यों से किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंच रहे हैं। तस्वीर वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस के एक टोल प्लाजा की है। यहां हजारों ट्रैक्टर एक साथ पहुंचे, जिसके बाद टोल नाका बंद करना पड़ा। दिल्ली में अब केवल 26 जनवरी ही नहीं, 1 फरवरी को भी किसान रैली निकालेंगे। 26 जनवरी को होने वाली किसान गणतंत्र परेड के लिए किसानों और पुलिस के बीच ट्रैक्टर रैली का रूट फाइनल हो गया है। जैसा कि सिंधु टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से हजारों किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली में एंट्री करेंगे। गणतंत्र दिवस की परेड के बाद दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक 5000 ट्रैक्टरों को परेड निकालने की मंजूरी दी गई है। इस बीच किसानों ने एक और ऐलान किया है। उनका कहना है कि 1 फरवरी को भी वो संसद भवन तक पैदल मार्च निकालेंगे। इसी दिन संसद में बजट पेश होना है। हालांकि इस ऐलान को लेकर अभी तक दिल्ली और पुलिस प्रशासन की कोई मंजूरी नहीं मिली है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दें और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हरियाणा राज्य की हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए पब्लिक रिएक्शन टीवी से और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और लास्ट में हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।